गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप बालू पी आर्जियन। तो आज हम करेंगे कक्षा 5 का गणित की पुस्तक में से चैप्टर नंबर 13 है, गुणा और भाग के तरीके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पेज नंबर 170 से गुणा और भाग के तरीके, खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी कितनी तनख्वाह यानी कि दिहाड़ी मिलती है। तो ये है राजा के खजांची और राजा का नाम है जयन। तो खजांची कौन होता है? जो पैसों का हिसाब किताब रखता है, कैशियर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो भी राजा के दरबार में व्यक्ति काम करता है उन हर एक व्यक्तियों की यहाँ पर दिहाड़ी लिखी गई है। और जो मुख्य यहाँ पर आदमी है वो कौन कौन है देखें, यहाँ पर दिए गए हैं मंत्री, घुड़सवार और रसोईया। जो मंत्री की दिहाड़ी है वो है 195 रुपये और घुड़सवार की जो दिहाड़ी है वो है 76 यानी कि 76 रुपये और रसोईया जो है उसकी जो तनख्वाह या दिहाड़ी है वो है 65 रुपीज यानी कि 65 रुपये। तो मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। तो आपको पता है कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं और एक दिन की उनकी जो तनख्वाह है वो है 65 रुपये यानी कि 65 रुपीज़। तो उसको निकालने का जो इसका तरीका है वो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मणिरत्नम ने क्या लिखा है, 65 को उन्होंने दो संख्याओं में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर एक लिखा है उन्होंने 60 और 5 को एक इधर से लिख दिया। और यहाँ पर 31 दिन को भी उन्होंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 30 और 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या लिया है, जैसे 65 में दो अंक है, इकाई का अंक अलग रखेंगे और दहाई, 6 दहाई का मतलब है 60, तो अलग अलग कर दिया है। ऐसे ही 31 को दो हिस्सों में इन्होंने बांटा है। 31 में एक इकाई का अंक होता है और एक जो 3 है वो दहाई का अंक है, तो 30 को इन्होंने इस साइड लिख दिया है। तो हमने देखा यहाँ पे 30 और 60 इन दोनों की इन्होंने इसमें गुणा कर दी है, यानी कि हमने क्या करना है, इस संख्या को हमने इस वाली संख्या से गुणा करना है पहले, और उसके बाद फिर क्या करना है, इस संख्या को, इकाई की जो संख्या है उसको भी हमने 30 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 5 की और 30 की गुणा करने पर हमारे पास आ गया 150 और 60 की और 30 की गुणा करने पर आ गया हमारे पास 1800। अब दोबारा क्या करना है, हमने 30 की गुणा अब दोनों से हो चुकी है, अब है बारी 1 की। तो हम पहले 60 की और 1 की गुणा करते हैं, यानी कि इस संख्या को हमने पहले इससे गुणा करना है और फिर जो ये वाली संख्या बच गई हमारी 5, तो फिर हमने 5 को 1 से गुणा करना है। तो हमारे पास 5 गुणा 1 आ गया 5 और 60 गुणा 1 आ गया 60। अब हम देखते हैं जब इन चारों संख्याओं को हमने गुणा कर दिया है आपस में, तो अब हम इनका जो जोड़ है, योग है, वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे संख्या 1800 और उसके बाद लेंगे हम 150, उसके बाद है हमारे पास 60 और उसके बाद है हमारे पास 5। तो कुल रुपए कितने हो गए, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे जोड़कर कि ये कुल रुपीज़ है। आप भी इसको जोड़ने की कोशिश करें। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इसका जो कुल योग है वो है 2015। तो आप भी जोड़ कर देखें इसको, और क्या आपका भी उत्तर यही आ रहा है? बिल्कुल यही है। तो मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया, अक्का तुमने यह कैसे किया? तो देखें यहाँ पर कैसे किया उन्होंने, ऊपर लिखा उन्होंने 65 यानी कि 65 और नीचे 31 और यहाँ पर लगा दिया गुणा का निशान। तो हमने क्या किया, पहले 1 को 5 से गुणा की, 5 और 1 को फिर 6 से गुणा करने पर कितना आया, 6, यानी हमने 65 को 1 से गुणा कर दी। तो उत्तर कितना आएगा हमारा, 65 ही आएगा। उसके बाद क्या किया हमने, ये इकाई का अंक है हमारा और 3 क्या है, दहाई का अंक है, यानी कि अब हमने 65 को 3 दहाई मतलब 30 से गुणा करना है। तो 65 को 30 से गुणा करने पर कितना आ गया हमारा,
1950 यानी कि 1950। तो आप इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जैसे तीन को, क्योंकि तीन दहाई है तो हमने पहले ही दहाई की यहाँ पर जीरो लगा दी, और तीन पंजे 15, पाँच हासिल एक, तीन छिके 18 और एक हासिल का 19। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, जैसे पाँच और शून्य जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, पाँच ही आएगा, और छः और पाँच 11, 11 का एक और हासिल एक, 9, 9 और एक हासिल का 10, 10 की शून्य और हासिल एक, और एक और एक कितना हो गया, 2। तो हमारा उत्तर भी देखे यहाँ इस तरीके से भी कितना आ रहा है, 2015, 2015। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास गुणा करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक वाला जो मणिरत्नम ने किया और दूसरा तरीका जो उसकी बेटी बेला ने किया। तो आप दोनों तरीके से गुणा करके देखें। आइए अब चलते हैं पेज नंबर 171 के ऊपर। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उन्होंने 195 को 31 से गुणा करना चाहा, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री है उसकी एक दिन की जो तनख्वाह है वो 195 रुपये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, भानु ने एक मंत्री की जो जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले उसकी जो एक दिन की तनख्वाह है वो है 195, 195 वो लिख लेते हैं, और नीचे लिखेंगे हम 31 और गुणा का जो है निशान लगा देंगे। सबसे पहले हम 195 की एक से गुणा करते हैं, या एक को 195 से गुणा करेंगे, एक पंजे 5, एक निमा 9, एक एकम 1, या 195 गुना 1 भी कितना होता है, 195। अब हम 3 से गुना जो करते हैं, 3 का मतलब यहाँ पे 3 दहाई यानी कि 30, तो यहाँ पे हम शून्य पहले ही लगा देते हैं और फिर इस 195 को 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 पंजे 15, 15 का यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5, और 3 नीम 27 और एक हासिल का क्या हो जाएगा, 28, 28 का लिखेंगे हम 8 और हासिल के लगाएंगे 2, और 3 एकम 3 और 2 हासिल के 5। तो हमारे पास जो संख्या है ये आ चुकी है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 5 का यहाँ पे आ जाएगा 5, और 9 और 5 14, 14 का यहाँ पे आएगा 4, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 की लगाएंगे हम शून्य और हासिल का 1, और 5 और 1 6। तो उसकी जो तनख्वाह है जनवरी माह की मंत्री की कितनी आ गई, 6045 रुपए। तो ये उसकी तनख्वाह चुकी है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से, जो खजांसी ने किया था, मणिरत्नम ने किया था, आप उस तरीके से भी इसको निकाल के देखें। तो अभ्यास का समय, नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए अब इन अभ्यास को भी करके देखते हैं। अभ्यास का समय, बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुणा करो। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है, प्रश्न नंबर क, 32 को 46 से गुना करो, और ख जो सवाल है वो है 67 को 18 से गुना करो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखें, 32 को 46 से जब गुना हम करेंगे तो सबसे पहले 32 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 दुनी 12, हासिल 1, 6 तीय 18 और 1 19, 192। अब बारी है 40 की, यानी कि 4, क्योंकि 4 दहाई का अंक है, तो 32 गुना में 40, तो हम यहाँ पे शून्य जो है वो पहले लिख देंगे दहाई की नाम की। अब हम क्या करेंगे, 4 से 32 की गुना करेंगे, तो 4 दुनी 8, यहाँ पे कितना आएगा 8, और 4 तीय 12 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 है। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 2 का यहाँ पे क्या आएगा 2, और 9 और 8 17, 17 का 7, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, और 1 का 1, तो 1472 इसका जो आंसर है वो आ गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को भी यहाँ पे करके देखते हैं, 67 को 18 से गुना करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 67 की और 8 की गुना करेंगे, 8 और 7 56, 56 का यहाँ पे क्या आएगा 6, जो भी दो संख्याएं होती है, जैसे 8 और 7
56, 8 की 7 से 56, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इकाई का अंक ही लिखना है, दहाई को हम हासिल के रूप में लिखते हैं, कैरी ले जाते हैं। तो 8 7 56, 56 का 6, हासिल के 5, और 8 6 48, 48 और 5 कितने होते हैं 53, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 53। तो हमारे पास आंसर आया 536। अब हम क्या करेंगे, 67 की 67 की 1 से यानी कि 10 से गुना करनी है, 1 क्योंकि दहाई का स्थान है, तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, 67 की किससे गुना करनी है हमने 10 से, और सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पे दहाई की, और ये इसका मतलब 67 को 1 से गुना करनी है, तो यहाँ पे 67 आ गया। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, 6 और 0 6 ही रहेगा, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 5 6 6 और 6 12, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1206। तो ये इस प्रकार इसका हमने भी आंसर निकाल दिया गया। आगे देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 2। बेला के तरीके से इन सवालों को अपने कॉपी में हल करें। तो यहाँ पर ये 6 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है जो क नंबर पे 47 को 19 से गुना करनी है, उसके बाद 188 को 91 से, उसके बाद है 63 को 57 से, फिर है 225 को 22 से गुना करो, उसके बाद है 360 को 12 से गुना करो, और उसके बाद है अंत में 163 को 42 से गुना करो। तो आप सब इनको कॉपी में बेला के तरीके से आपको इनकी गुना करनी है। और आप देखेंगे कि जो सवाल नंबर क है, क नंबर पे जो सवाल है उसका आंसर है 893। तो आपको मैच करना है कि ये आंसर आपका आया है या नहीं आया है। और ख नंबर पे जो सवाल है उसका आंसर है 17108। तो आप इसको मैच करेंगे। तीसरे नंबर पे जो सवाल है उसका आंसर है 3591। और चौथे नंबर पे जो सवाल है उसका आंसर है 4950। उसके बाद है इसका पांचवें सवाल का आंसर है 4320। और अंतिम जो सवाल है उसका आंसर है 6846। तो आप सब देखेंगे जब आप सवाल निकालेंगे तो आपको मैच करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पेज नंबर 172 के साथ। तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।